नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। बेबर थाना क्षेत्र के गांव मानपुरहरी में जंगली जानवरों के भय से ग्रामीण दहशत में हैं। इसी भय से स्कूली बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक पाठक की ये रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के थाना बेबर के ग्राम मानपुरहरी में जंगली जानवरों का भय बना हुआ है, जिससे आए दिन ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, गांव वाले बाजार जाने से भी डरे हुए हैं। अचानक जानवर हमला कर देते हैं, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी पोंप सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जानवरों का इंतजाम किया जाएगा। मानपुरहरी स्कूल में ग्राम बिलसड़ा से आए हुए मास्टर साहब राम रसपाल को रास्ते में ही एक जंगली गाय ने मार डाला। उस समय गाय को भी गाँव के वालों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पकड़कर बांध लिया। आए दिन किसी न किसी ग्रामीण को यह जानवर अपना शिकार बना लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार दीक्षित। रत्नेश कुमार दीक्षित जी, जी आप किस गांव के हैं? कुशलपुर के। कुशलपुर जी। इस समय आप कहाँ हैं? इस समय स्वास्थ्य केंद्र मानपुरहरी। स्वास्थ्य केंद्र मानपुरहरी। क्या मामला है, ये क्या हो गया सुबह आज यहाँ? ये जो है मामला, ये जो हमारे आवारा जानवर है, नहीं जो हमारे क्षेत्र में जी, ये जो सांड ढेर भर रहे हैं जी, जो नुकसान कर रहे हैं किसान जी, जी किसान इनसे जो है बहुत परेशान है जी। परेशान होने के कारण जो है गांव के सभी लोगों ने जो है मिलकर के जी इनको जो है स्वास्थ्य केंद्र पर लाए हैं। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे? इनमें जो है सांडों ने जी हमारे गांव के जी जो मास्टर साहब थे जी, राम रचपाल थे जी, जी उनको जो है कि तो ऐसी चोट मारी जिससे जो है वो मतलब उनका अंत ही हो गया। सांड के द्वारा? सांड के द्वारा। वो सांड इस समय पुलिस से आपने शिकायत करी? पुलिस से? पुलिस आई थी? पुलिस आई थी जी। जी क्या कह के गई है? अब ये जो है मैंने उनका नहीं ये जान पाई कि क्या कहा, क्या कह के वो चले गए। अच्छा, कोई समाधान नहीं हुआ? उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप लोग भयभीत हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, बंद करें। कोई आश्वासन नहीं मिला पुलिस तरफ से? नहीं, कोई ऐसा नहीं मिला। पुलिस आई थी, मौजूद हुई थी यहाँ पे? मौजूद थी। चली गई जी हाँ, आधा एक घंटा रुकी।